गौतम जी आने का हम सब सम्मान करते हैं। रेडी है सामने पता चले ना कौन करवा रहा है। मेरे अनुज ही हैं, उम्र मेरी कम है तो मैं उनको छोटा भाई ही कहता हूँ, लेकिन ज्ञान की पिपासा उनमें इतनी ज्यादा है। उन्होंने देश विदेश में अश्विनी गौतम के नाम से अगर आप YouTube देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आप ज्योतिष और ज्योतिष न्यूमरोलॉजी और वास्तु के मास्टर हैं, और ये न्यूमरोलॉजी जो रेगुलर न्यूमरोलॉजी थी उसको तो आपको बताएंगे, उसकी तो मास्टरी इनकी है ही है, उसमें तो इनका कंट्रोल है ही है। जो रियल टाइम न्यूमरोलॉजी है, जो वास्तविक न्यूमरोलॉजी, किसकी कब क्या जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो पंचम भाव सुत भाव पुत्र भाव कहा गया था, वो पुत्र ही नहीं था पुत्री भी था। इस तरह से वैल्यू एडिशन इन्होंने उसमें न्यूमरोलॉजी बहुत तरीके से किया है, और उसी ज्ञान को हमारे पास ये बांटेंगे। और आप करनाल में रहते हैं, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, और अगर मैं कहूं मैं तो नौकरी करता हूं, सेवक हूं, सेवा का काम दूसरी तरह से करता हूं रोजी रोटी के लिए, पर आपकी मास्टरी इतनी है कि आप इसी कर्म से फुर्सत नहीं है। इनको मार्च लास्ट वीक में थोड़ा सा टाइम था, पर जो मैंने बात बताई हमारे पंडित जी महाराज प्रदूषण जी जो हैं इन्होंने बहुत फास्ट किया, वो माने नहीं। इनका हमने दूसरे प्रोग्राम छोड़ के जो चार दिन के इनका स्पेशल प्रोग्राम था उसको कैंसिल किया एक दिन का प्रोग्राम करने के लिए, फिर भी तैयार हुए, ये उनकी जिद थी दबस्ती थी, और मैं उसके लिए वास्तव में इनका आभारी हूँ, क्योंकि एक तो ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स्ड है उसमें आपने चेंज किया। अब आगे और ज्यादा बात ना करते बीच में बात करेंगे। अश्विनी जी पंत जी ने इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया है, टेलीफोन नंबर नहीं दिया, देंगे सर देंगे, सब सब कुछ देंगे, आवाज सब कुछ देंगे तो कर दो क्लास, और आपके बीच में ही आ जाता हूँ पंत से छोड़कर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला है न्यूमरोलॉजी के विषय में जानकारी लेने के लिए। कितना अच्छा सब्जेक्ट है, आज मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास हो तो शायद मैं आपको परसों से जानता हूं। कितना इंटरेस्टिंग शब्द है। आखिर इस डेट ऑफ बर्थ में ऐसा क्या है कि आपसे एक जुड़ाव हो गया है, ये नंबर्स का जो खेल है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग। जब हम लोग ज्योतिष की बात करते हैं, जब भी ज्योतिष की बात करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि ज्योतिष के लिए जब आप कुंडली बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजर तो सारे ही होंगे यहां पर राइट, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, डेट ऑफ बर्थ टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो शायद एस्ट्रोलॉजी में हमें बहुत सारे ऑप्शंस को तलाश करना पड़ जाएगा कुंडली बनाने के लिए राइट। लेकिन ये एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर आपको टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती। ज्यादा किसी सब्जेक्ट को मैं नहीं खींचूंगा क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं आज कवर करने के लिए, तो हम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज पे आएंगे। डेट ऑफ बर्थ जब भी आप लेते हैं, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों में से न्यूमरोलॉजी कितने लोग पहले से जानते हैं, न्यूमरोलॉजी आप लोग पहले से जानते हैं, बाकी न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है। चलिए जो जानते हैं उनके लिए भी नया है और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। फोकस कीजिए, एक डेट ऑफ बर्थ देते हैं हम लोग, कोई एक डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए मुझे यहाँ पर। 26/9/1948
ये डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास, और इस डेट ऑफ बर्थ में जब भी हम न्यूमरोलॉजी के उस पे आते हैं, हमें दो चीजें हमारे लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फर्स्ट ऑफ आपका साइकोलॉजी नंबर और दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं मूलांक, और दूसरा होता है हमारा भाग्यांक। मूलांक इज व्हाट? ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने यहां पर बताई है ना, दैट इज योर मूलांक। एक चीज इसमें हमें ये देखनी है कि हमारे जो नंबर्स होंगे, वो नंबर्स जो होंगे वो 9 तक रहेंगे, तो हम लोग 1 to 9 के बीच में ही हर नंबर को कंसीडर करेंगे जब भी हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। इसके बाद का भी इफेक्ट होता है, वो मैं आपको आज कुछ नई चीजें बताने जा रहा हूं, ये हल्का सा बेसिक हो जाए एक बार। तो यहां पर जब मैं 26 की बात करता हूं, 2 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका मूलांक जो है वो 8 आता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स आपकी मेंटल साइकोलॉजी, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, दिस इज द नंबर। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिस चीज का रहता है वो होता है आपका डेस्टिनी नंबर। हम लोग अक्सर न्यूमरोलॉजी के अंदर ये देखते हैं कि मूलांक को ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन रिजल्ट अगर आपको चाहिए, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए या एक्यूरेसी चाहते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो आपको भाग्यांक को फोकस करना होगा, बिकॉज इट्स डेस्टिनी, आपके साथ क्या होने वाला है, इसको हम कह देते हैं नंबर ऑफ डेस्टिनी। कैसे कैलकुलेट होता है इस सारे को टोटल कर लीजिए, चलिए टोटल करते हैं, 8, 9, 17, 18, 39 अब इस 39 को फिर से टोटल कीजिए 12 एंड 3, हम इसको 3 कंसीडर करते हैं, आपका डेस्टिनी नंबर इज 3, राइट? तो आपके नेचर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर दैट इज 8, एंड आपके लाइफ में होने वाली चीजें नंबर 3 देगा आपको। लेकिन मैंने इसको आपसे टोटल ही क्यों पूछा, बिकॉज हियर इज द इंपैक्ट ऑफ 39 आल्सो एंड 12 आल्सो। 39 का और 12 का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे इस हल्के से बेसिक क्लियर करने के बाद कि 39 का और 12 का यहां पर क्या रोल रहेगा। एक रूलिंग नंबर का कंसेप्ट हमारे पास आता है, वहां पर ये जाके एप्लीकेबल हो जाते हैं, राइट? मूलांक और भाग्यांक हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, लेकिन अभी जैसे पंत जी बता रहे थे, पंत जी ने बताया कि सब चीजों की जड़ वेद, वेदों में ग्रहों का बहुत जबरदस्त उल्लेख होता है, तो इसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके चलेंगे। इट्स अ वेरी वंडरफुल कंसेप्ट। 1 से 9 तक के नंबर की मैं बात करता हूं। न्यूमरोलॉजी कब शुरू हुई? जब इंसान धरती पे आया। कहा जाता है कि ये विदेशों की देन है, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की देन है, क्योंकि आर्यभट्ट के 0 देने से पहले भी रावण के 10 सिर होते थे, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। तो शुरू करते हैं कि जब इंसान पैदा हुआ तो धरती पर आया, कोई नहीं था, अकेला था बिल्कुल, और उस केस में उसने सबसे पहले क्या देखा? एक ऐसी अनंत शक्ति जो इस सृष्टि को चला रही है। पहाड़ भी हैं, पर्वत भी हैं, नदियां भी हैं, सूर्य भी उदय होता है, रात भी होता है, बेचारा वो अकेला यहां पर यही सब कुछ देख रहा था। तो एक बहुत बड़ा शून्य उसको यहां पर दिखाई दिया कि कुछ नहीं है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में हम लोग शून्य को एक इनफाइनाइट पावर के तौर पर लेके चलते हैं, एक अनंत शक्ति के तौर पर लेकर चलते हैं। 0 इज इनफाइनाइट पावर, जिसके पीछे लग जाए उसकी ताकत को बढ़ा देती है। 1 के पीछे लगा के देखिए 10 होता है, उसके पीछे एक और 0 लगाइए 100 बनेगा, फिर लगाइए 1000 बनेगा। जिसके पीछे जितनी बार लगेगी उतनी बार उसकी ताकत को बढ़ा देगी। दैट इज द पावर ऑफ 0, और ये एक इनफाइनाइट पावर है, एक अनंत शक्ति है। उसके बाद इंसान ने दिन में जन्म लिया तो ये देखता है
कि एक सूरज है जहां से रोशनी आ रही है, तो फर्स्ट नंबर को हम लोग यहां पर सन का नंबर लेते हैं, सूर्य का नंबर लेते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो गई, रात हुई तो उसको चंद्रमा दिखाई दिया मून, और फिर ये प्रोसेस चलता है। सारे नंबर्स को हम लोग यहां पर लेते हैं, फिर तीन नंबर आपका जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, फोर नंबर आपका राहु का नंबर है, फाइव नंबर आपका मर्क्यूरी का नंबर है। मैं हिंदी में भी बता देता हूं, शनि सूर्य चंद्रमा बृहस्पति राहु एंड बुध। नंबर सिक्स इज वीनस यानी कि शुक्र, सेवन इज केतु, एट इज शनि यानी कि सैटर्न, एंड नाइन इज मार्स यानी कि मंगल, राइट। ये नंबर्स का ग्रहों के साथ संबंध जोड़ दिया हमने। देखिए, किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होती है। हमारे ब्रजभूषण जी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो एक मैनेजमेंट है, एक टीम है इनके पास, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सका है। इसी तरह से हमारे इस गृहीय मंत्रिमंडल को चलाने के लिए भी, एस्ट्रोलॉजी की बात है सर, गृहीय मंत्रिमंडल को चलाने के लिए भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनी हुई है। उस मैनेजमेंट के बारे में आपको बताता हूं। सूर्य जीरो तोरण शक्ति है, ये सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, उसके बाद राजकुमार है बुध, तीन नंबर बृहस्पति देवगुरु हैं, राहु को यहां सेना की कैटेगरी मिली हुई है, सेना में शामिल है, शुक्र हमारे मंत्री हैं, केतु भी सेना की कैटेगरी में आते हैं, शनि सेवक भी हैं और जज भी हैं, जस्टिस भी हैं, और नो मार्स सेनापति। ये तो बेसिक सा कंसेप्ट सबके लिए, जिनको पता था उनके लिए भी और जिनको नहीं पता था उनके लिए। अब आते हैं असली बात। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया 26/9/1948। सभी नंबर्स के बारे में शुरू से बात करेंगे, अब बाद में फिर इसको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से, वेस्टर्न पैटर्न पे मैं आपको एनालाइज करना सिखाऊंगा भी कैसे होता है। एक नंबर मूलांक, दो चीजें मैंने यहां पर बोली, मूलांक अज्ञान। किन का होता है एक नंबर? सूर्य का। सूर्य का किन किन लोगों का होगा? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 एंड दो किन का होगा? दो 11, 20, 29 सेम। थ्री किन का होगा? 3, 12, 21, 30 3, 12, 21, 30 चार किन का होगा? 4, 22, 13 4, 13, 22 और 31 5, 14, 23 6, 15, 24 7, 16, 25 8, 17, 26 ठीक है, 9, 18, 27 चलिए छोटा सा नेचर बता दूं आपको इनका। जो लोग एक मूलांक के तहत पैदा हुए हैं उनका लॉर्ड कौन है? सूर्य। कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए उन लोगों के अंदर? लीडरशिप क्वालिटी, तो सूर्य की वजह से। दो के अंदर इमोशंस, चंचलता, चंद्रमा कारक होता है इनका। तीन के अंदर विजडम एंड नॉलेज। चार के अंदर टेक्निकल, हार्ड वर्कर, अनकन्वेंशनल। पांच के अंदर लॉजिकल, इंटेलिजेंसी एंड कम्युनिकेशन। ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी बुद्ध का प्रभाव है।
छह के अंदर लग्जरीज, फैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सात के अंदर स्पिरिचुअलिटी, डिसटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं ना, डिसटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं ना, असंतुष्टि, असंतुष्टि और गहराई केतु देता है, सीक्रेटिव, सीक्रेटिव भी होता है, आठ के अंदर जस्टिस, हार्ड वर्कर, जस्टिस, हार्ड वर्कर, स्मार्ट वर्कर, न्यायिक, डोमिनेंस, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट नहीं है, स्लो प्रोसेस, स्मार्ट तो मत, जस्टिस और नौ के अंदर अग्रेशन, अग्रेशन, अग्रेशन और कमांडिंग, ह्यूमैनिटेरियन, डोमिनेंस, अग्रेशन और पावर ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। नाइन इज अपने आप में एक संपूर्ण नंबर, हम सब लोग 108 नंबर की ही, 108 मंत्रों की ही माला क्यों यूज करते हैं, 108 मंत्रों की माला क्यों यूज करते हैं, किसी भी चीज़ 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां और 9 ग्रह और 27 नक्षत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। अब न्यूमरोलॉजी का भी इसको देख लेते हैं, इसका क्या प्रभाव रहता है, टोटल क्या बनता है, 9, 108 मंत्रों की माला हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, राइट, तो यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए नंबर 9 बन गया। स्टार्टिंग कहां से होती है हमारी, डिजायर्स की, नंबर 1 से, उसको मिल गई अनंत शक्ति और साथ में मिल गया डेडिकेशन और फिर होगी रेक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर। देखिए स्टार्टिंग इच्छा जागृत हुई, उसको इसको सूर्य कह रहे, उसके साथ अनंत शक्ति का आशीर्वाद मिला एंड देन हमारी डेडिकेशन आई और टोटल बना 9, यानी कि फ्रक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर। 108 नंबर, 108 मंत्रों की माला का यूज करने का जो सबसे बड़ा पर्पस यहां पर यही रहता है कि इसके पीछे न्यूमरोलॉजिकली ये लॉजिक आता है। ये तो एक हल्का फुल्का सा बेसिक था जो एस्ट्रोलॉजी वाले जानते हैं और जिन्होंने न्यूमरोलॉजी की हुई है उनको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं असली चीज की तरफ जो आज हमने यहां पर डिस्कस कर ली। मुझे एक चीज बताइए, 9 नंबर तक का बिहेवियर आप सबको पता है, 9 के बाद के नंबर्स का कुछ इफेक्ट आता है, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी हुई है कहां तक आता है, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है मुझे बताइए कि 9 नंबर के बाद का इफेक्ट आता है, 22 क्यों आता है, मास्टर नंबर होने की वजह से, उसके बाद 11 की मास्टर नंबर होने की वजह से, बाकी नंबर्स कार्बिक नंबर्स क्लियर कर लिए और बेसिकली ये जो इफेक्ट आता है ये 53 नंबर्स तक आता है। 9 नंबर के बाद 53 तक जितने भी नंबर्स आप कंसीडर करेंगे वो आध्यात्मिक नंबर कहलाते हैं, उनका एक गुप्त इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर हमेशा ही रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। लेकिन सबसे पहले मैं जिस चीज पे आने की कोशिश कर रहा हूं वो है हमारा बर्थ चार्ट। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बर्थ चार्ट के ऊपर एक छोटा सा डेमो दिया था, आज मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा कि एक व्यक्ति जब पैदा हुआ तो आप उसको एनालाइज कैसे करें। यहां पर दो तरह के बर्थ चार्ट आते हैं, एक बहुत मशहूर बर्थ चार्ट है जिसको आप सभी ने सुना है, दैट इज लोशुग्रिड बर्थ चार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, सभी एप्लीकेबल है सभी के लिए, चैलियन पैटर्न पर यूज होता है। मैं क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर कोई चीज आई हुई है ना तो उसका एक अपना इंपॉर्टेंस तो है ही है और हर चीज से कुछ ना कुछ जरूर ले लेना चाहिए, तो मैं आपके लिए एक नई चीज लेके आया हूं, वो उसको कहते हैं पाइथागोरियन बर्थ चार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बताता हूं, अपने फोन को साइलेंट पे कर लीजिए। पाइथागोरियन बर्थ चार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी जो लोशुग्रिड चार्ट था, दैट इज
डिजाइन एंड डेवलप बाय चाइना, वहां पर कोई लोशू करके नाम आता है व्यक्ति का, या एक और कहानी भी आती है कोई नदी है लो करके और उसमें से कछुआ निकला, उस तरह की भी एक कहानी आती है। दोनों में कंफ्यूजन है कि कौन सा सही है इनमें, लेकिन पाइथागोरस जो हैं एक बहुत बड़े अंकशास्त्री हुए हैं हमारे वर्ल्ड में, उनके इस पैटर्न के ऊपर पाइथागोरियन बर्थ चार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी है। डिफरेंस इज दैट हम लोशो ग्रिड को किस लिए यूज करते हैं, हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बेसिकली। जिस प्रकार एस्ट्रोलॉजी में दो तरह के लगन को आप ज्यादा कंसीडर करते हैं, वन आपका बर्थ लगन जो आपके फिजिकल ट्रेट्स को बताता है, एंड सेकेंड वन आपका मून साइन वो आपके मेंटल स्ट्रक्चर को बताता है। तो जिस तरह से लोशो ग्रिड में आप अपनी डोमेस्टिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको यूज करते हैं, सेम पाइथागोरियन पैटर्न के अंदर आप अपनी मेंटल डिजायर्स को पूरा करने के लिए उसको यूज करते हैं। एक इंसान का व्यक्तित्व अगर आपको समझ आ जाए डीप में, तो आप उसकी हर चीज को पकड़ सकते हैं अगर आप उसके बेसिक नेचर को समझ जाते हैं। तो आइए फोकस करते हैं असली चीज जो अब शुरू होगी, दैट इज योर बर्थ चार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी बाय द पैटर्न ऑफ पाइथागोरस। सर पाइथागोरस कहाँ का, जैसे वो चाइना का बताया आपने लोशु का, तो ये कहाँ का है? देखिए विच कंट्री, यूरोप की ही कंट्री है शायद, लैटिन ग्रीक कहते हैं इसको, वहां के पाइथागोरस उन्होंने किया था इसको डेवलप। लेकिन इस पे अगर आप फोकस करेंगे, पाइथागोरियन बर्थ चार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड जब आप बनाते थे तो कुछ इस तरह से बनाते थे, राइट? उसमें नंबर्स का पैटर्न दूसरा था, यहां पर अब आप नंबर्स का पैटर्न लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर फोन साइलेंट करो। हाँ जी आप प्लीज अपने फोन साइलेंट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस भी हो रही है। ये पैटर्न है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, राइट? इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। इसमें तीन तरह के प्लेन बने। सबसे पहले मैं बात करता हूं दिस वन, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्लेन। शारीरिक स्तर आपका भौतिक स्तर, सेकेंड सोल प्लेन, एंड थर्ड इज माइंड प्लेन। फिजिकल प्लेन में तीन नंबर आ गए, 1, 4, 7। सोल प्लेन में आए 2, 5, 8 और माइंड प्लेन में आते हैं 3, 6 and 9। फिजिकल प्लेन से मतलब क्या हुआ? शारीरिक स्तर तो नेचुरल है, इसमें शारीरिक गतिविधियां शामिल होंगी। सोल प्लेन आपका आत्मिक स्तर है, उसमें आत्मा की गतिविधियां शामिल होंगी, और माइंड प्लेन आपका मेंटल लेवल है, उसमें आपके मेंटल की गतिविधियां शामिल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, इसको मैं तीन कैटेगरी में बांट देता हूं। ये वाला हिस्सा बच्चों का, ये बड़ों का और ये बूढ़ों का। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बच्चे हैं, ये बड़े हैं, ये बूढ़े हैं, राइट? जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? नंबर एक को मैं यहां से लेता हूं, ये वो नंबर है जब एक बच्चा पैदा हुआ है। नंबर वन, एक बच्चा पैदा हुआ है, जब एक बच्चा पैदा होता है ना जी, तो वो अगर उसको छोटी सी भी समस्या होती है तो वो बोल नहीं सकता है। पैदा हुआ बच्चा है छोटा सा, 2 दिन का 1 दिन का, वो बोल नहीं सकता है, वो क्या करेगा? रोएगा, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने की कोशिश करेगा। लेकिन
समझ किसी को नहीं आती कि वो बच्चा कहना क्या है, और हम क्या करते हैं उसको गोद में उठाते हैं, हंसते हैं, चुप कराने की कोशिश करते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं, पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग्स को ना वो कह पाता है ना हम समझ पाते हैं। अब एक नंबर सूर्य का नंबर है, ठीक है, स्टेटस भी है, सब कुछ है, मान प्यार सम्मान इज्जत लोगों का दुलार सब कुछ है, लेकिन जो ये बच्चे वाली प्रॉब्लम आ गई ना, ये भी साथ में। एक नंबर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, लोग आपकी बात को भी सुनते हैं, आपको प्यार भी मिलता है, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन आप अपनी आंतरिक भावनाओं को दूसरों से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और अगर आप करते हैं तो दूसरे का दूसरा जो है उसको गलत मतलब से लेता है। जैसे छोटा बच्चा कहना कुछ चाहता है लेकिन उसका जो रिप्लाई आता है वो कुछ और होता है। अब एक नंबर चिल्ड्रन में स्टेटस का नंबर है, राज एक नंबर से होता है, ठीक है, लेकिन हम यहां पर उसके इसकी इमोशनल फैक्टर से जुड़ रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पेटल्स। आप अपनी फीलिंग्स को नहीं कह पाते, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक नहीं होता, जैसे अभी इसी पैटर्न में जो लोग पैदा हुए हैं 2000 के बाद पैदा हुए लोग हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में एक नहीं होगा तो वो इंसान अपनी इंटरनल फीलिंग्स को जो वो कहना चाहता है वो नहीं कह पाएगा लोगों को, ये सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के साथ। डेट ऑफ बर्थ का मतलब खाली मंथ और डेट, पूरा का पूरा। उसमें कहीं भी अगर एक आपका मिसिंग है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में एग्जांपल के तौर पर लेके लेता हूं, यहां पर 2 फरवरी 2002, कहां एक एक नहीं है ना, तो जिनके पास एक नहीं है उनको मान प्यार सम्मान इज्जत स्टेटस सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो अपनी भावनाओं को दूसरों से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो टेंशन में रहे। डिप्रेशन का सामना उनको इसी कारण की वजह से फोकस करना पड़ेगा कि उनके पास एक नंबर नहीं है। सेकंड चीज, व्हाई यू आर नॉट साइलेंट योर मोबाइल फोन्स, प्लीज बंद करें, कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन सुन रहे आप सुन ही नहीं रहे, प्लीज रिक्वेस्ट है, देखिए प्रोग्राम का मकसद है सबको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी को, साइलेंट कर ले या बंद ही कर दे। क्लियर है इतना कंसेप्ट? बिल्कुल सर। तो सर जो जनवरी और नवंबर में पैदा हुए वो लकी है, मतलब 2000 में। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, जनवरी में पैदा हुए तो सबसे ज्यादा लकी है, पर ऐसा नहीं है सर, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैंने अभी कहा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में एक नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक सिर्फ एक ही बार आता है तो क्या कहेंगे? ये बच्चा है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक सिर्फ एक बार आ रहा है तो आप एक बच्चे की तरह अपनी इमोशनल फीलिंग्स को शेयर करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है अगले के ऊपर कि वो उसको पूरा करे या ना करे। यहां पर एक और प्रॉब्लम आती है कि आपकी भावनाओं की कदर कितनी की जाती है, वहां पर आप अपने इमोशनल फैक्टर को लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। एक मैच्योर आदमी तो अपने दिल की बात दूसरे से कह देगा, एक बच्चा खुल के नहीं कह पाता, वो डरता है कहीं मुझे कोई ना दे, कहीं कोई कुछ ना कह दे, ये एक फीलिंग फैक्टर उन लोगों के अंदर रहता है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक बार आ जाए, राइट। और अगर यही एक दो बार आ जाए तो ये बैलेंस हो गया। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक जो है वो दो बार है तो आपके इमोशंस जो है वो बैलेंस हैं। अब यहां पर एक प्लस पॉइंट आता है उन लोगों के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक दो बार आता है, किन किन लोगों की आता है मैं खासियत बताऊं, ये पंचायती लोग हैं। पंचायती लोग क्यों? इनको कोई भी मैटर अगर इनके सामने आ जाता है ना, नहीं, इनको पता है कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। इंट्यूशन इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उन लोगों की जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक दो बार आता
सही है नहीं? अक्सर ऐसे लोगों को पंचायतों में फैसला करवाते और उसकी मध्यस्थता करते हुए देखा जा सकता है, और ये लोग राजनीति के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पता है, लेकिन इनका एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूं मैं आपको। दूसरे की कमी जल्दी पकड़ लेते हैं और फायदा भी उठाते हैं। ये भी रहता है, एक का दो बार आना इस कमी को बैलेंस करता है। सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसका कैसे होगा, ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, रेमेडी भी साथ ही साथ चलेगी। एक को अगर आप तीन बार लेके आते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक अगर तीन बार है तो वहां क्या समस्या आएगी? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तीन एक बार बढ़ गया, आपके पास स्टेटस बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप अपने फीलिंग को क्यों शेयर नहीं कर पाते लोगों से? क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है। जिनके पास एक तीन बार आता है वो अपने इमोशंस को लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ईगो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यहां सूर्य की एनर्जी बढ़ गई, राजा मानते हैं अपने आप को, छोटे आदमी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, और अगर अपने दिल की बात किसी छोटे आदमी को कहनी पड़ जाए तो यहां पर इनको प्रॉब्लम आ जाती है। इसी वजह से यहां पर इनको प्रॉब्लम आती है, और ये एज जितनी बार आगे बढ़ता चला जाएगा उतनी बार इनकी ये प्रॉब्लम जो है ना यहां पर बढ़ती चली जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जिनके पास एक की प्रॉब्लम होती है ना उनको स्टेज फियर भी होता है, वो अपने आप को स्टेज पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं किसी भी तरह से। सोल्यूशन क्या है? बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, भावनाएं व्यक्त करनी है ना, वो मैंने पिछली बार बताया। आज जो नए लोग आए उनको भी बता देता हूं। एक डायरी लीजिए और उसमें रोज रात सोने से पहले डेट डालिए उस दिन की, और रात को सोने से पहले आपने उस दिन की सारी गतिविधियां उस डायरी पे उतार दी, राइट? और कौन कौन सी गतिविधियां उतारनी है जो आज आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, जो आज आपके मन में ख्याल थे लेकिन आप बता नहीं पाए, आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, जो भी आज आपके सारा दिन आपके मन में चला वो आपने उसको डायरी पे उतार देना। और आप यकीन मानिएगा जिस दिन आप डायरी पे ये सब चीजें लिख के सोएंगे ना आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि फीलिंग्स बाहर निकालनी है, आप बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हैं ना उसको, और एक आपको रात को नींद की प्रॉब्लम से ये दूर हो जाएगी। बड़ा साइकोलॉजी का न्यूमरोलॉजी बेसिकली तो साइकोलॉजी ही होती है, न्यूमरोलॉजी साइकोलॉजी ही होती है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप डेली के डेली अपने फीलिंग्स को कागज पे उतारने की आदत डालेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आया करेगी, और जब सुबह उठें उसी डायरी को पकड़े, सबसे पहले कोई काम नहीं करना है, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, और जैसे ये बुकलेट है ऐसे रखनी है उसको शीशे के सामने, और कुछ नहीं करना, कोई स्पीच नहीं देना है, कुछ नहीं करना, जो लिखा है आपने उसको शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ना है। एक महीना इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको ये बता गारंटी दे सकता हूं इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स जिन लोगों के अंदर होता है या फियर फैक्टर जिन लोगों के अंदर होता है वो दूर हो जाए, और ये होता जिन लोगों के साथ है ये एक ही कमी की वजह से होता है। जिन लोगों को बोलने की प्रॉब्लम आती है, जो अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो नंबर एक की वजह से होता है। एक का एक बार आना भी बुरा और एक का दो से ज्यादा बार आना भी बुरा, और हर केस में यही प्रॉब्लम रहेगी। और जिन लोगों के पास एक दो बार आता है वो यहां पर बैलेंस है। बट मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जिनका दो बार आता है वो लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके अंदर यह प्रॉब्लम रहती है, वो मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि उनको पता है क्या गलत है क्या सही है। स्मार्ट होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहां हम एक छोटे बच्चे की बात कर रहे थे, नंबर वन एक छोटा बच्चा जिसके साथ ये प्रॉब्लम क्लियर हुई, अभी वो बच्चा बड़ा होने जा रहा है। मैं अभी फिजिकल ब्रेन की बात कर रहा हूं, शारीरिक गतिविधियों की बात कर रहा हूं। ये बच्चा बड़ा हुआ नंबर चार पे आ, मैंने कहा ना ये जवानी वाला रोल है, ये बुढ़ापे वाला। नंबर चार बड़ा हो गया है इंसान,
अब क्या हुआ, बच्चे की कैटेगरी से बाहर निकल गया है, शादी हो चुकी है उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी बढ़ चुकी है, कमाने लग गया है। अब क्या हो गया, वो स्वार्थी हो गया, यहां निस्वार्थ था, यहां स्वार्थी हो गया। अब उसको क्या दिखाई देता है, पैसा कैसे कमाना है, मेहनत कैसे करनी है, करियर में कैसे आगे बढ़ना है, राहुल ये सब चीजें देता है, मेहनत कैसे करनी है, जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको लेके कंफ्यूज है। राहुल का नंबर है, कंफ्यूज हो तो देगा। और अपने लिए बात करना है, जहां अपने स्वार्थ की बात आ जाएगी वहां ये दूसरों को भूल जाएंगे, वहां ये दूसरों को भूल जाएंगे, क्योंकि नंबर चार जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नंबर यहां पर आ जाता है। अब मैं कोई काम करता हूं, ठीक है, और मैं इस कैटेगरी में हूं, मैं काम करता हूं पैसे के लिए, अगर कोई मेरे पेट पे आके लात मारेगा तो मैं उसको थोड़ी देखूंगा, मैं तो अपने आप को देखूंगा, मैं अपने आप को बचाऊंगा। तो ये फीलिंग फैक्टर नंबर चार वाला होगी साथ यहां पर आ जाता है, यहां पर इंसान स्वार्थी हो जाता है, मतलब ये हो जाता है भौतिकता की जो भूख है उसके अंदर यहां पर आकर बढ़ जाती है, राइट। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर चार नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाएगी, भौतिकता की भूख आपके अंदर नहीं रहेगी। आप भौतिकता कैसे डिफाइन करेंगे, क्या मतलब भौतिकता इन द सेंस की पैसा कैसे कमाना है, स्टेटस कैसे हासिल करना है, नाम कैसे बनाना है, ये सब भौतिक चीजें हैं, ठीक है, इसकी भूख आपके अंदर नहीं रहेगी और ये चीज आपको जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ने देगी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में चार नहीं आ रहा है तो, ठीक। और अगर चार एक बार आ रहा है तो आपकी डिजायर्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, डिजायर्स बहुत अच्छी हैं, आप भौतिक हैं, आप बैलेंस्ड भी हैं, आप अपनी जरूरतें भी पूरी करते हैं, आप दूसरों को रिस्पेक्ट भी करते हैं, सामाजिक हैं, अगर चार एक बार आ रहा है। और उसके बाद अगर इसका एक्सेस बढ़ जाता है, यानी कि चार यहां पर दो बार आ जाता है, तब क्या होगा जी, डिजायर्स बढ़ जाएंगी, और जब डिजायर्स बढ़ जाती हैं तो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। चार का एक बार आना तो यहां ठीक है, लेकिन चार का एक से ज्यादा बार आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जितनी बार अब ये चार यहां पर बढ़ेगा उतनी बार आपकी डिजायर बढ़ जाएगी, मतलब दो बार भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छा, स्वार्थी हो जाता है इंसान, दो बार आए तीन बार आए, और जितनी बार ये चार बढ़ता चला जाएगा, आपका एक बार, जितनी बार यहां पर चार बढ़ता जाएगा आप अपने लिए ज्यादा सोचेंगे, दूसरों की प्राथमिकताओं को कम इंपॉर्टेंस देंगे, नुकसान पहुंचा सकते हैं, नहीं नुकसान कब पहुंचा सकते हैं, जब चार का एक्सेस चार प्लस चला जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ में एक ही बार आ रहा है और एक बार भाग्यांक में आ रहा है, मूलांक भाग्यांक को फिलहाल छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात करूंगा, मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात करूंगा। अगर आपका चार यहां पर एक बार आ रहा है तो आप न्यूट्रल हैं, और अगर ये डेट ऑफ बर्थ में चार दो या उससे ज्यादा बार आ रहा है तो आप अपने बारे में ज्यादा और दूसरों के बारे में कम सोच रहे, एंड दैट इज द ट्रू फैक्ट। यहां पर इंसान इसलिए स्वार्थी हो जाता है क्योंकि उसकी जो डेली नीड्स हैं, उसके परिवार की जरूरतें हैं, उसकी हम ये कह सकते हैं कि भौतिक जरूरतें हैं, वो उनको इस चीज के लिए करने पे मजबूर करती हैं। चार का तीन बार आना या चार का चार बार आना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी जरूरतों को आपने जरूरत से ज्यादा बढ़ा रखा है और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां इंसान बड़ा हो गया, देखो
दो प्लस दो हो गए चार, हो गए तो चार वेरी थे, चार फीटर जी वो तो दो ही होता है, दो प्लस दो हो जाए दो नहीं नहीं चार होना चाहिए, दो प्लस दो बात की बात है, चार चार दो हजार चौदह चार चार दो हजार चौदह हाँ उसमें ये चीज रहेगी, रहेगी ना बिल्कुल रहेगी, उसमें भौतिकता रहेगी। सर सचिन तेंदुलकर की डेट में भी तीन बार चार होगी, डेस्ट में भी फोर है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसीलिए वो कामयाब है। भौतिकता परिवार के लिए अच्छी नहीं होती, सक्सेस के लिए अच्छी होती है। भौतिकता परिवार के लिए अच्छी नहीं होती, सक्सेस के लिए अच्छी होती है। तो यहां पर चार जितनी बार कहने का मतलब यह है कि वैसे इंसान अपने लिए ज्यादा सोचते हैं, अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए ज्यादा सोचते हैं, उसके पीछे पागल होते हैं, क्रेजी होते हैं। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो अपने क्रिकेट करियर के लिए पागल था, क्रेजी था, इसी वजह से वो यहां पर कामयाब हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, बच्चा बड़ा हो गया, अब बूढ़ा हो गया। नंबर सेवन, वो नंबर है जो आपके जीवन के अंतिम पड़ाव की तरफ जाता है। सात को मोक्ष का कारक क्यों कहते हैं? केतु को मोक्ष का कारक क्यों कहते हैं? डिटैच कर देता है समाज से, भौतिकता से, और परमात्मा से जोड़ देता है, इसलिए इसको स्पिरिचुअल नंबर भी कहा जाता है। अब सात के बारे में आपको एक बात बताऊं, सात का तो संबंध ही परमात्मा के साथ है। क्यों? कितनी चीजें जो प्रकृति में बनी हुई है वो सात ही हैं। कमल की पंखुड़ियां कितनी होती हैं? स्वर्ग कितने हैं? समुद्र कितने हैं? द्वीप कितने हैं? अजूबे कितने हैं? सब कुछ सात, जो परमात्मा ने बनाया सब सात। इंद्रधनुष के रंग सात, इंद्रधनुष के रंग सात, ग्रह कितने सात? सूर्य सात, सूर्य के घोड़े सात, सूर्य के घोड़े सात। जितनी मर्जी कैटेगरी को आप सात के साथ देने, क्योंकि परमात्मा का नंबर है, परमात्मा से बना हुआ है, इसलिए इसको अध्यात्म का कारक माना जाता है। फेरे सात, फेरे भी सात, फेरे भी सात, हम सात सात। चलिए जैसे विचार की बात हो गई, अब इसको सीरियसली लेते हैं। यहाँ पर इंसान बच्चा था, बड़ा हुआ और सारी जिंदगी स्ट्रगल करता हुआ इस लेवल पर पहुंचा, मैच्योर हो चुका है, जिंदगी का बहुत तजुर्बा है, लाइफ देखी है। सात नंबर उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी का लेवल कितना है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सात नहीं होता है वो अपनी जिंदगी में हुए कॉम्प्रोमाइजेस से सारी जिंदगी सीख नहीं लेते। वेरी प्रैक्टिकल बात मैं आपसे कर रहा हूं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सात नहीं है वो जिंदगी में बार बार गलती करते हैं और उसी गलती को बार बार रिपीट करते हैं, सीख नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सीख का नंबर है।